मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रूम में एक पुलिस ऑफिसर आता है और वहाँ से ब्लैक कलर का बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस बैग को चोरी करके ले जा रहा था, वो इस बैग को कहीं बेचने जा रहा था। इस बैग के उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, मतलब ये बैग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसे ये महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, फिर फौरन से कोई उसे पीछे खींचता है और उसका गला काट देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और ये कोई और नहीं बल्कि टेफनी थी। टेफनी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में थी, और उसने उस पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि उस ब्लैक कलर के बैग में चकी की बॉडी के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े थे। और टेफनी को अभी भी लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त की सोल है, वो उसे किसी भी हाल में वापस लाना चाहती थी। वो उसे घर लेकर जाती है और हर टुकड़े को साथ मिलाकर उसे जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सीती है और फिर बाकी डोज के पार्ट को लगाकर उसे बिल्कुल ठीक बना देती है। लेकिन चकी अब बहुत खौफनाक लगने लगा था, लेकिन टेफनी इस बात से बहुत खुश थी कि उसने अब चकी को ठीक कर दिया है। वो उसे लटाकर नोट्स पढ़ने लगती है कि शायद इन नोट्स को पढ़ने के बाद इसमें वो सोल वापिस आ जाए और ये उठ खड़ा हो, लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। उसी वक्त भी टिफनी का दोस्त आ जाता है। टिफनी दरवाजा खोलती है और उसका दोस्त अंदर आता है। अंदर आते ही टिफनी देखती है चकी अपनी जगह से गायब है। वो समझ गई थी कि चकी अब वापिस आ गया, उसका प्यार वापिस आ गया और जिंदा हो गया है वो। टिफनी जल्दी से अपने दोस्त को बांध देती है ताकि वो चकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसी वक्त एंट्री होती है चकी की। चकी टिफनी के दोस्त के मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस रोक देता है, उसकी वही तरफ तरफ कर डेथ हो जाती है। वही टेफनी चकी को जिंदा देख काफी खुश नजर आती है क्योंकि उसके बीच उसके उस दोस्त की रूह थी जिससे टिफनी शादी करने वाली थी। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। टिफनी उसे वो वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है, क्या तुम्हें ये रिंग याद है? ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास मिली थी, मतलब जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई थी तब भी ये रिंग उसके पास से मिली। ये सुनते ही उसके दोस्त का सोल जो अब चकी के अंदर था वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी शादी नहीं थी करनी। ये सुनने के बाद टेफनी का दिल टूट जाता है, वो उदास हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो चकी को उठाती है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दो लड़के और एक लड़की दिखाई जाती है पुलिस ऑफिसर के साथ, जिसमें एक लड़के का नाम जैसी होता है और लड़की का नाम जेठ होता है। वो जेठ को पार्टी पर लेकर जाने के लिए पिक करने आया था। जेठ और जैसी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो तीनों पार्टी पर जा ही रहे होते हैं कि जेठ के अंकल उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक लेते हैं और जेठ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस लड़के के साथ नहीं जाना। ये कहने के बाद जेठ के अंकल उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसी का दोस्त उसे मशवरा देता है। वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तुम दोनों शादी कर लो भागकर। कुछ दिन जेठ के अंकल नाराज रहेंगे, फिर वो तुम दोनों की शादी को अपना लेंगे। फिर अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि जैसी टिफनी का नेबर है, वो टिफनी के घर के बिल्कुल साथ रहता है। फिर टिफनी को दिखाया जाता है जो चकी के लिए एक ब्राइट डॉल लेकर आती है ताकि वो बोर ना हो पिंजरे में। वो पिंजरा खोलकर उस ब्राइट डॉल को उसमें रखकर बाथ में चले जाती है शॉवर लेने और साथ साथ टीवी देखने लगती है। तब भी चकी को दिखाया जाता है जो उस ब्राइट डॉल के गले में से रिंग निकाल कर अपने पिंजरे को काट कर बाहर आ जाता है। उसे टिफनी पर बहुत गुस्सा था कि टिफनी ने उसे पिंजरे में बंद किया। वो बाथ में जाता है, वो देखता है कि टिफनी बड़े ही मजे से टीवी देख रही है। वो उसी टीवी के पास जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। टीवी के साथ करंट थी जिसकी वजह से टिफनी वहीं पानी में बिजली के झटकों से मर जाती है। अब चकी अपने साथ उस ब्राइट डॉल को भी लाया था जिसमें अभी तक कोई सोल नहीं थी। वो उसमें अब टिफनी की सोल डालना चाहता था। वो टिफनी की डेड बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टिफनी की सोल को उस ब्राइट डॉल में डाल देता है। टिफनी जब ये महसूस करती है कि वो एक डॉल में आ चुकी है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। चकी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, अब तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं करूंगा। अगर अभी भी तुम चाहती हो कि हम दोनों की सोल किसी ह्यूमन बॉडी में जाए तो तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं कहूंगा। हमें उस लॉकेट को लाना होगा जो मरते वक्त उस डेड बॉडी में था, पर हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, हम कार को ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उस डेड बॉडी के पास ले जाए। उसी वक्त टिफनी के माइंड में अपना एक दोस्त आता है, वो उसे कॉल करती है जो जैसी ही होता है। वो उसे कहती है कि मेरे घर में दो डोज है, तुम्हें उन्हें एक एड्रेस पर छोड़कर आना है, इस काम के बदले मैं तुम्हें $1,000 दूंगी। जैसी ये सुनते यहाँ कर देता है और टिफनी के घर आकर उन डोज को उठाता है। उसे यही लगता है कि ये दोनों डोज बेजान हैं। वो उन्हें गाड़ी में रखकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो जेठ के घर जाता है, वो उसे भागकर शादी करने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंकल हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, इसलिए हमारा भागकर शादी करने का फैसला बेस्ट है। जेठ मान जाती है, वो घर के अंदर जाती है अपने कपड़े लेने। जेठ के अंकल छुप कर ये सब देख रहे थे, वो उन दोनों की शादी किसी भी हालत में रोकना चाहते थे। वो जैसी और जेठ की गाड़ी में छुपके से ड्रग रख देते हैं। उन्हें नहीं था पता कि टेफनी और चकी उन्हें देख रहे हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो जेठ के अंकल के प्लान के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर उनका रास्ता रोक लेते हैं और गाड़ी की तलाशी लेकर उसमें से ड्रग्स निकाल लेते हैं और इस बात का बहाना बनाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। चकी और टेफनी को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये सब बार बार हमारा सफर क्यों खराब कर रहे हैं, इनका कुछ करना ही होगा। तभी जैसी और जेठ वहां से भागने लगते हैं। चकी गाड़ी से उतरता है और छुपके से जाकर उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आ
आग लगा देता है। वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। और फिर जेट और जेसी वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको ये सब बहुत अजीब लग रहा था, वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है ये। फिर फाइनली ये दोनों चर्च में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चकी और टिफनी भी गाड़ी में बैठकर सॉन्ग सुन रहे होते हैं। और टिफनी को उस वक्त वो सब याद आ रहा होता है कि वो कैसे उसे शादी करना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जेट और जेसी होटल के एक रूम में बैठे होते हैं। उनके रूम में एक कपल आता है और वो जेसी का पर्स चुरा लेता है। ये सब टिफनी देख लेती है। रात के रूम में जाती है और छत पर लगे शीशे को उनके ऊपर फेंक देती है, मतलब शीशे के टुकड़ों की बारिश कर देती है और उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। चकी भी वहां मौजूद होता है। वो टिफनी से कहता है कि मैं तुम्हारे जान लेने के तरीके से इंप्रेस हुआ, तुम मेरे साथ अच्छी लगोगी। चकी उस कपल की उंगली से रिंग निकालकर टिफनी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे वो रिंग पहना देता है, जिसको देख टिफनी की आंखों में आंसू भर आते हैं खुशी के। और ये दोनों भी जेट और जेसी के साथ ही होटल में रात गुजारते हैं। वहीं जेट और जेसी पूरी तरह डरे सहमे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। जेट अपने एक दोस्त को कॉल करती है, उसे सब बताती है और उसे पूछती है कि ये क्या सीन है। वो उसे बताता है कि तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है, जरा संभल कर रहना। सुबह होते ही होटल की ऑनर और बाकी लोग जब उस कपल की डेड बॉडी को देखते हैं तो उनके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। जेट और जैसी अपना सामान उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उनका दोस्त भी आ गया था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों से कोई गलती नहीं हुई, तुम दोनों ने ठीक किया जो किया, और अब तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे पर यकीन करो। फिर वो वैन खोलता है जिसमें उसे जेट के अंकल की डेड बॉडी पड़ी हुई नजर आती है। वो डर जाता है। वो उनकी गन निकाल कर जेट और जैसी को कहता है कि तुम दोनों ने ये सब किया है, तुम दोनों ने ही सबको मारा है, और झूठ ना बोलो मुझसे, मुझे सब पता चल गया है। फिर उसी वक्त चकी और टिफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं, मतलब वो खुद को रिवील कर देते हैं उनके सामने, जिसको देख जेट और जैसी का दोस्त गाड़ी से नीचे उतर जाता है। और उसी वक्त एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। चकी जैसी से कहता है कि चलो अब जल्दी से वैन चलाओ। वो उन दोनों को अपनी सारी स्टोरी बताते हैं। फिर वो एक दूसरी वैन चुरा कर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं, जिसमें किचन भी होता है। टिफनी चकी के लिए खाना भी बनाती है, जहाँ उनका झगड़ा हो जाता है कि खाने के बर्तन कौन धोएगा। इनकी बहस के दौरान जेट टिफनी को टांग मारकर माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है। वहीं जैसी भी चकी को धक्का देकर वैन से बाहर फेंक देता है। चकी गोलियां चलाता है जिसकी वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं माइक्रोवेव से जली हुई टिफनी भी बाहर आ जाती है और जेट से बदला लेने के लिए उस पर अटैक करती है। उसी वक्त जैसी जेट को बचाकर अपने साथ बाहर ले आता है वैन से। तभी वैन ब्लास्ट हो जाती है और उन सबकी जान बच जाती है। फिर चकी उन्हें जबरदस्त अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है और उसे कब्रिस्तान में वो लॉकेट चाहिए था जो एक कब्र में उस इंसान की डेड बॉडी के साथ दफन था। वहीं जैसी भी जली हुई टिफनी को उठाकर वहां पर पहुंचता है। वो उसे चकी को दिखाता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। चकी कहता है कि मार दो मुझे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसको सुनते ही टिफनी का दिल टूट जाता है। उसी वक्त चकी जेट पर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन जैसी उसके आगे आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है, उसे नाइफ नहीं लगने देता। फिर चकी उन दोनों को बांध देता है। अब चकी को वो लॉकेट मिल गया था और अब वो अपनी सोल उसमें ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल शुरू करता है। टिफनी जेट और जैसी में प्यार को देख बदल जाती है। अब उन दोनों को मारना या अलग करना नहीं थी चाहती। वो चकी के पास जाती है और पीछे से उसे नाइफ से स्टैब करती है और उसे कहती है कि अब हम जीकर क्या करेंगे, वैसे भी अब हमें जीने का कोई हक नहीं है। इसी के साथ इन दोनों में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। चकी टिफनी को नाइफ मारता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी जैसी चकी को उस कब्र में धक्का दे देता है। फिर उसी वक्त वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। जैसी और जेट चकी पर काफी शूट करते हैं। चकी मरने ही वाला होता है। वो जाते जाते ये कहकर जाता है कि मैं वापिस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेट और जैसी से कहते हैं कि तुम दोनों बेकसूर हो, तुम दोनों अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों का कोई कसूर नहीं। फिर पुलिस ऑफिसर टिफनी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। वो देखने में बहुत डरावना होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।